Wow. What a weather. इतने खूबसूरत मौसम में इतना बुरा मुंह बनाना अच्छी बात नहीं है। मौसम दिल के होते हैं। अगर दिल का मौसम अच्छा हो तभी सारे मौसम अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि जो लोग खूबसूरत होते हैं तो बातें भी बहुत खूबसूरत करते हैं। कुछ खूबसूरत लोग अंदर से कितने बदसूरत होते हैं इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कौन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। पिंजा मैं आपकी लास्ट बात से एग्री करता हूं। कौन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों को मौसम की तरह पल पल में बदलने की आदत होती है लेकिन वो रहते वही हैं जो वो होते हैं। उनकी फितरत कभी नहीं बदलती। सबा की कॉल आई थी, बताई थी स्कूल वालों ने सब टीचर को बोनस दिया है। मैंने कहा मेरा बोनस वापस कर देना, मुझे नहीं चाहिए। तो तूने काहे को वापस करने को बोल दिया? कितने मिलने थे तुझे बोनस? 4-5 हजार। 4-5 हजार रुपए? अरे काहे को वापस कर दिया, पागल हो गई है क्या? वो आपको तो काशिफ का पता ना, वो मुझे कभी भी जाने नहीं देते। वैसे भी उन्हें मेरा जॉब करना कहाँ पसंद है। जरूरत ही क्या है उसको बताने की? वो बोनस लेने जाऊंगी तो पता चलेगा ना। अरे तो तू अभी जाके ले आना, उसके आने में तो अभी बहुत टाइम है। अरे भाई तुझे जरूरत नहीं तो मुझे दे दे, मेरे ही कोई काम आ जाएंगे। नहीं पुप्पो रहने दे, अगर आगे पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। कौन बता रहा है उसे? मैं नहीं बताऊंगी, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ, जाके जल्दी से पैसे लेके आओ। खरी खरी चाहे किसी को आग लगे, जा जल्दी। चादर ले ली। चादर ले, बिस्तर ले, जो जल्दी जा और जल्दी वापस आ। 5 हजार रुपए यहीं छोड़ रही है। अब जाने भी दो, रहाना खाला आ गई ना तो बिल्कुल भी खैर नहीं है मेरी। देखो जान, थोड़ी देर तो रुक जाना, इतनी जल्दी क्या है जाने की? जा रही हूँ मैं, बस पी करो। मिजाजी खुदा हूँ तुम्हारा, बल्कि तो तुम्हें मेरे एहसास और जज्बात का खुद से ही ख्याल होना चाहिए। तुम्हारे एहसास और जज्बात का ख्याल था तभी तो इतना बड़ा फैसला कर लिया मैंने। शुभी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी शादी इस तरह से होगी, किसी को भी बताए बगैर। अच्छा जान प्लीज दास्त मत लो, हम एक दूसरे के हो चुके हैं, क्या ये हमारे लिए काफी नहीं? मगर फिर भी एक डर सा लगा रहता है कि अगर किसी को पता चल गया तो। मैं अपनी अम्मी को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी को मना लूंगा और वो फिर तुम्हें बहू मानने से एतराज नहीं करेंगे। मुझे फिक्र रिहाना खाला की नहीं है, मैं तो नवीन भाई के बारे में सोच रही थी। वो तो कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी के लिए। देखो जान, मानना तो उन्हें पड़ेगा क्योंकि हम लोग निकाह कर चुके हैं, उन लोगों के पास अब कोई और रास्ता नहीं है।
अच्छा छोड़ो ना ये फजूल बात, वैसे हमें मिलने का बहुत कम टाइम मिलता है, फजूल में ये बातें कर रहे हैं हम लोग। बोलो क्या बात करना चाहते थे तुम? मेरी जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसको यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर क्या कर सकते हैं, काश मैं उस हकीकत को बदल सकता। नबील साफ साफ बोलो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जानता हूँ तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं, और मैं यहाँ तुमसे सिर्फ सोबियाबाजी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो मैं वो क्या बताओ, क्या कहना चाहते हो? बेशर्मी, अरे काशिफ मेरी तो नजरें जमीन में गड़के रह गई इस बेहया को उस कमबख्त नबील के साथ देखी। क्या कह रही है फूफो, मैं नबील के साथ जरूर थी लेकिन मैंने कोई बेहयाई नहीं की। इल्जाम लगा रही है मुझ पर। बकवास बंद करो अपनी, एक तो मुंह काला करा के आई है, ऊपर से जुबान चला रही है मेरी माँ के आगे। बता बड़ी पारसा बनती है ना, बोल ना क्यों गई थी उससे मिलने के लिए। अब बोलती बंद हो गई, वैसे तो बड़ी पटर 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 जबान चलती है भाई, मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। अब बोल दे जवाब, क्यों गई थी उससे मिलने? मेरी इज्जत का जनाजा निकालने गई थी तू? अब नहीं बोलेगी, अब सांप सूंघ गया इस कमबख्त को, बता ना। वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी? अरे मजबूरी थी या दिल के हाथों मजबूर होके गई थी उससे मिलने के लिए, बोल। बस कर दे पुप्पो, मेरी माँ ने मुझे ये तरबियत नहीं दी कि मैं बड़ों के साथ बदतमीजी करूं। लेकिन आप लोग मेरी शराफत का नजायज फायदा मत उठाएं। हाँ? एक तू ही शरीफ है जो इज्जत की चादर उतारने के बाद भी इज्जतदार बन रही है। ए, जलील तो हम है, जलील तो हम है जो इस बेहया की बेगैरती को बर्दाश्त कर रहे हैं। नजर नीचे कर, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? नजर नीचे कर। अरे बोल क्या रहा है, मर्द बन मर्द, लगा एक थप्पड़ इसके मुंह पे, अक्कड़ निकल जाए इसकी सारी। सही कह रही हो, इस बेगैरत को तुम्हें दे रहा तुझे नजर नहीं कर। अरे बोल क्या रहा है, मर्द बन मर्द, लगा एक थप्पड़ इसके मुंह पे, अक्कड़ निकल जाए इसकी सारी। सही कह रही हूँ, इस बेगैरत को तुम्हें फिर हाथ लगा ना उसको, तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा तेरा। तू क्या करे यहाँ पे? हाँ तेरी हिम्मत कैसे यहाँ पे मेरे घर में कदम रखे? रजमा खाला ने देख लिया था, जानता था कोई ना कोई फितना खड़ा करके खड़ी होगी। ए, तू क्या हमारे घर में टपक पड़ा है? ये हमारे घर का मामला है, निकल इधर से, चल। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए अपने घर की इज्जत को इस तरह उछालते हुए। हाँ नहीं आती हमें शर्म, क्या कर लेगा तू? अबे और तू क्यों तड़प रहा है इस बेहया के लिए? एक लफ्ज़ नहीं बोलना, समझा?
गिरेबान पकड़ने की। अपनी ये गुंडागर्दी कहीं और जाकर दिखाना। ये मेरे घर का मामला और तुम्हें कोई हक नहीं इसमें बोलने का। जाओ यहाँ से। क्यों मेरी जिंदगी पर बात करी? मुझे लगते क्या? मैंने कहा जाओ यहाँ से, जाओ। अगर मैं बोलूं कि इस वक्त मैं आप ही के बारे में सोच रहा था तो क्या आप बिलीव करेंगे? मुझे आपकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं। मुझे किसी को मनाना नहीं है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कब कहा क्या आप मुझे मनाए? यार यही तो प्रॉब्लम है कि आप मुझसे कुछ कहती नहीं है। मुझे दीवार पर सर मारने का कोई शौक नहीं है। तो पहले था? पहले मेरा दिमाग खराब था, पागल थी मैं। और किंजा अब मैं आपके लिए पागल हूँ। आप जैसे लोगों की आदत है अपने कसूर का इल्जाम दूसरों पर थोपने की। अभी तक सोए नहीं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मॉम, बस नींद ही नहीं आ रही थी मुझे तो चांद को देखने के शौक में आ गया। वो देखें गोरा। अरे मॉम, हाँ आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, तुम जरा जल्दी सो जाया करो, सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होता है। ओके। चार्जर चाहिए था। आधी रात को भी चैन नहीं है तुम्हें? सुबह तो जैसे होगी नहीं ना। अब जाओ यहां से, चलो। नहीं लगता मैं तुम्हारा कुछ भी।
तो फिर क्यों परवाह होती है मुझे तुम्हारी? क्यों क्यों? किंजो, तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ, मेरी सैलून में बात हो गई है, ठीक है? ओके। ड्राइवर, ड्राइवर। गाड़ी खोले, मुझे पार्लर जाना है। तुम जाओ, मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप मेरे साथ नहीं जा रही, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। देखें, गुस्सा रास्ते में कर लीजिएगा, अभी चल के बैठे, वरना आप भी लेट हो जाएंगे। इतना तमाशा करके मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? तो मुझे किस चीज की सजा दे रहे हो? तो मेरे लिए क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल कर रहे? बोलो क्यों? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर तुम मेरी जिंदगी में मदाखलत नहीं करोगे ना, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी खुशी की गारंटी दे दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊँ। खुदा का वास्ते नबील, बस कर दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहती? मैं तुम पर हाथ भी नहीं उठाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। सबसे पहले तो रोना बंद करो। मैं रो नहीं रही हूँ। मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अपने आंसू साफ करो और अब रोना मत। मैं फोन रख रही हूँ, सुनो। For God's sake, Kinza, अब आप बस कर देंगे ड्रामा। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। You know what? आज भी आपकी आंखों में मेरी मोहब्बत झलकती है, क्योंकि आप आज भी मुझसे मोहब्बत करती हैं।
ये आपकी खुशफहमी है। खुशफहमी तो फिर अभी तक ये रिंग क्यों पहनी हुई है? किंजा बीबी को मेरे पास भेजो। आज तुम्हें एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। मीटिंग? मुझे जरूरी काम से जाना है और ये वसीम कुरैशी के साथ मीटिंग भी बहुत जरूरी है, तो आज मैं तुम्हें अपनी जगह भेज रही हूँ। लेकिन मैं कैसे? रानी की कोई जरूरत नहीं है किंजा, तुम्हें सिर्फ एक साइन करना है और फाइल लेकर आनी है और बस। किंजा Are you okay? जी, I'm okay. तो ठीक है फिर, तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें बस थोड़ी देर में ही निकलना है। जी। मैं चलती हूँ, खाला का तो पता ही नहीं है कि कब आएंगी। अरे इतनी जल्दी क्या है, अम्मी बराबर वाले घर पे गई हैं कपड़े देने, आ जाएंगी। और वैसे भी तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, अम्मी के लिए नहीं आई। खुशफहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मत जाओ, अपने शोहर के हुक्म की नाफरमानी करोगी। और अगर मैं ना मानूं तो? मुझे अपना हक इस्तेमाल करना आता है। मुझे नहीं पता था किसी के हो जाने का एहसास इतना खूबसूरत होता है। वाकई जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ नया नया सा लग रहा है, हर चीज में रंग भर दी गए। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। मेरा बस चले तो तुम्हें हमेशा के लिए यही रखता। भाई की कॉल है, रिसीव करो। ये बोल देना कि अम्मी ने रोक लिया था। जी जी भाई। कहाँ हो तुम? भाई वो मैं रेहाना खाला की तरफ हूँ। जब जवेरिया वहाँ नहीं है तो रेहाना खाला के यहाँ जाने का क्या मकसद है? वापस आओ जल्दी। जी भाई मैं आ रही हूँ। रियाना खाला से बात करवाओ मेरी।